नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारे बाकी सारे वीडियोस से काफ़ी अलग होने वाला है, काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पर एक 15,000 के कीबोर्ड को यहाँ पर 75,000 के कीबोर्ड के साथ कंपेयर करने जाने वाले हैं। तो बेसिकली आप में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी म्यूजिशियन हैं, आप म्यूज़िक के बारे में जानते हैं, कीबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं, तो आप ये बोलोगे कि यार ये किस तरह का कंपेरिजन हुआ, ये केशियो का कीबोर्ड है, रोलैंड का कीबोर्ड है, और इन दोनों की प्राइस रेंज में अराउंड 50,000 का डिफरेंस है, तो ये कंपैरिजन कैसा। तो ये जो वीडियो है और ये मैं सारी बातें बता रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये है कि हमारे व्यूअर्स में से काफी सारे ऐसे नए व्यूअर्स है जो कीबोर्ड प्ले नहीं करते हैं, या फिर जो अभी अभी जिन्होंने कीबोर्ड सीखना शुरू किया है, वो बोलते हैं कि सर हमारे पास तो एक 5,000 से 10,000 का कीबोर्ड है, उसमें भी 61 कीज है, और आप जो यहाँ पर कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें भी 61 कीज है, तो सर हम फिर आपने इतना महंगा वाला क्यों परचेस किया, उसका रीजन क्या है, और हमने इतना सस्ता क्यों परचेस किया। तो उनके मन में ये डाउट होता है कि सिर्फ कीज सेम होने से कीबोर्ड सेम होता है, उनका ये डाउट है कि मतलब अगर इसमें 61 कीज है और इसमें भी 61 कीज है तो इन दोनों का प्राइस सेम क्यों नहीं है। तो मैं आज वही यहाँ पर डिफरेंस बताने वाला हूँ कि ये कीबोर्ड क्या है और ये कीबोर्ड की पावर एंड कैपेबिलिटी क्या है। आप में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे कि ये कंपैरिजन है, मतलब टोन का कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं हम, केशियो CTK 6300 IN, जिसकी प्राइस अराउंड 15,000 अभी की डेट में ले सकते हैं। और इसी तरह से इस कीबोर्ड के सामने है हमारा रोलैंड का XPS 30। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इन दोनों की टोन कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा ही है। तो यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है इसमें भी हम एडिटेड टोन्स जो है, मतलब जो मैंने काफ़ी पहले एडिट टोन्स की हुई थी वो सारी टोन्स यहाँ पर मैं प्ले करूँगा, इसमें से भी मैं एडिटेड टोन्स प्ले करूँगा। तो बस आप डिफरेंस देखते जाइए, ताकि आपको ये आपका जो डाउट है कि मतलब एक महंगा कीबोर्ड जो एक 75,000 का कीबोर्ड है और एक जो 15,000 का कीबोर्ड है, उस दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ जो कि टोन का पॉइंट है, और यहाँ पर मैं काफ़ी सारी डिफरेंट टोन्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी सबसे पहली टोन की तरफ। तो यहाँ पर हमारी जो सबसे पहली टोन है कंपैरिजन के लिए, वो है फ्लूट की टोन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केशियो 6300 IN में ये टोन को देखेंगे, और उसके बाद रोलैंड XPS 30 में। तो ये थी फ्लूट की टोन, मैंने आपको इन दोनों कीबोर्ड में प्ले कर बताई। इसी तरह से फ्लूट में भी और काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटीज आती है, जैसे कि लीड फ्लूट हो गया, पैन फ्लूट हो गया, वो अभी हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए दोनों कीबोर्ड में जो टोन का कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम दोनों की कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टोन्स है जो इसी कीबोर्ड में है वो इस कीबोर्ड में आपको देखने नहीं मिलेगी, जैसे कि बैंजो का टोन हो गया, मैंडोलिन टोन हो गया, और ऐसे काफ़ी सारे टोन्स है जो आपको इस कीबोर्ड में देखने मिल जाएंगे बट इसमें देखने नहीं मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर वही टोन्स को कंपेयर कर रहे हैं जो इस कीबोर्ड में अवेलेबल है और इस कीबोर्ड में दोनों में अवेलेबल है, तो उसी तरह के टोन्स हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे सेकंड टोन की तरफ।
तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड टोन है वो है ब्रास की टोन। तो पहले हम ये वाले कीबोर्ड में देखेंगे ब्रास की टोन। तो नेक्स्ट टोन है हमारा यहाँ पर वायलिन का। तो यहां पर हमारी नेक्स्ट टोन है सितार। तो नेक्स्ट टोन है हमारे यहां पर ओबे की। Thank you.
तो यहां पर हमारी नेक्स्ट टोन है सैक्सोफोन। नेक्स्ट होने हमारी यहां पर ट्रम्पेट। नेक्स्ट होने हमारे यहां पर हारमोनियम। तो यहां पर हमारी नेक्स्ट टोन है वाइब्रोफोन। Thank you.
तो यहां पर हमारे आज के इस वीडियो की लास्ट टोन है फैंटेसी। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने इन दोनों कीबोर्ड की टोन को यहाँ पर कंपेयर किया, एंड आपको आई होप अभी तक पता चल गया होगा कि क्यों ये वाला कीबोर्ड 15,000 का है एंड क्यों ये वाला कीबोर्ड 75,000 का है। बेसिकली टोन में काफ़ी डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने मिला होगा। तो यहाँ पर तो हमने सिर्फ एक ही पॉइंट कवर किया है इन दोनों कीबोर्ड का, यू नो, कंपेरिजन का। अगर आपको और भी कोई दूसरा कंपेरिजन वीडियो चाहिए इन दोनों कीबोर्ड के लिए तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आई होप अभी आपका इस वीडियो में ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों दोनों में डिफरेंस है और क्यों इतना प्राइस डिफरेंस है दोनों इस कीबोर्ड में। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।